जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो दिखिए जो मेटाकार्पस होता है वो डिसलोकेट कर गया है, जो बोन होता है मेटाकार्पस वो डिसलोकेट कर गया है, तो उसको आज हम ऑपरेट करके और उसमें स्क्रू डालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे वहाँ देख रहे हैं मेटाकार्पस जो है डिसलोकेट हो गया है, यानी वो अपने लोकेशन पर नहीं है, वहाँ देख रहे हैं आप लोकेशन पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ चीरा लगाने के लिए मार्कर से चिन्ह करेंगे कि कितना चीरा लगाना है, ठीक है। मार्कर लगा दिए, उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद हम ब्लेड लेंगे, ब्लेड लेंगे बीपी ब्लेड लेंगे, बीपी हैंडल में लगा कर और ब्लेड से चीरा लगाएंगे और चीरा लगा कर उसके बाद लेंगे क्या, रिट्रैक्टर लेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से, एक तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक तरफ से और रिट्रैक्टर लेंगे और रिट्रैक्ट करेंगे, दोनों तरफ फैला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आर्टरी फोर्सेप लेंगे, जो अंदर वाला बोन है उसको पकड़ कर खींचेंगे, ठीक है। आर्टरी फोर्सेप लेंगे यहाँ से और अंदर वाला बोन को पकड़ कर खींच के, देखिए खींच रहे हैं, और उसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। सारा तरफ बैठा देने के बाद वहाँ पे हम लोग स्क्रू डालेंगे, वहाँ पे प्लेटिंग करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ बैठ गया, देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एक प्लेट लगाएंगे, छोटा सा प्लेटिंग टाइप का, जाली टाइप का लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर ड्रिल मशीन से होल करेंगे और स्क्रू डाल देंगे सारे होल में, ठीक है। वहाँ पे स्क्रू डाल रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा स्क्रू डाला जा रहा है, स्टेनलेस स्टील का स्क्रू होता है, और पूरा स्क्रू डाल देंगे हम कि मजबूत हो, फिर वह अपना लोकेशन से डिसलोकेट ना हो, ठीक है। उसके बाद डाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिट्रैक्टर को हम हटाएंगे, ठीक है। देखिए सारा डला गया है, उसके बाद रिट्रैक्टर को हटाएंगे वहाँ से हम, रिट्रैक्टर को हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम स्टिचेज करेंगे, टाँका मारेंगे, नीडल लेंगे, नीडल से छाद कर देंगे और नीडल से प्रिक करेंगे और वहाँ धागा से स्टिच करेंगे। देखिए सारा स्टिच हो रहा है, स्टिच होने के बाद क्या करेंगे, बैंडेज के द्वारा पट्टी बांधेंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे पट्टी बना गया, तो